गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव Persons introduction is
his ability to tolerate when his ego and attachment is under attack. जब देश की बात हो, समाज की बात हो, तो आप जरूर विद्रोह करें अगर आप उसका क्षत्रिय स्वभाव है, या आप कलम से विद्रोह करें, हमें उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब हमारे जीवन में रोजाना ऐसा नहीं होता है कि कोई बड़े सिद्धांत का हम विरोध करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं जहाँ पे हमारा अहंकार का विरोध होता है, हम उसका विरोध करते हैं जहाँ पे हमारी ममता का विरोध होता है, हमारे आग्रह का विरोध होता है। हम एक फ्रेम लेके चलते हैं। भक्ति के पास इतने बड़े बड़े गुण हैं कि प्रारब्ध की चोट व्यक्ति के अहंकार पे ही पड़ती है, और प्रारब्ध की चोट व्यक्ति के आसक्ति पे पड़ती है। प्रारब्ध और जगह अटैक नहीं करता। अगर आप बोलते हैं हमारा प्रारब्ध गड़बड़ है, तो उसका दो ही तीन मतलब है, या तो शरीर ठीक नहीं होगा, या तो कोई व्यक्ति आपके अहंकार को बार बार चोट पहुंचाता होगा, और या तो जो तीसरी संभावना है कि आपके पास जो आपका ममतास्पद पजेसिव एरिया है, जहाँ आपकी अथॉरिटी है, कोई आपकी अथॉरिटी को क्लिप करता हो, ठीक है ना। तो प्रारब्ध के एरिया, अहंकार के एरिया और अथॉरिटी का एरिया, अथॉरिटी ईगो एंड पोजिशन, AEP, दिस इज द एरिया ऑफ अटैक। अथॉरिटी बॉडी, ABP, सॉरी बॉडी तीसरा था, पोजिशन है, और कहीं पे कोई बहुत ज़्यादा आपको चोट नहीं पहुँचा सकता है। भगवान राम को कोई चोट पहुँचा ही नहीं पाता था, कारण ये था न उनके अंदर कोई अथॉरिटी की इच्छा थी, न उनको शरीर बनाने की इच्छा थी, न उनका कोई पोजीशन था। मस्त रहने का तरीका खाना पीना नहीं है, मस्त रहने का तरीका बड़े घर में रहना नहीं है। मस्त रहने का तरीका ये है कि आप दुख का कारण जरा दूर करें। अगर आप बोलते नहीं आदमी हमको बड़ा परेशान करता है, पहली बात तो स्वीकार ही ना करिए, हमने कई बार बोला, इस बात को आप निगेट कर दीजिए। तो तीन ही चीज पे वो कुछ कर सकता है, तो शरीर पे करेगा, ये तो हमारी अथॉरिटी कहीं पे कम करता है, ईगो पे अटैक करता है, या तो हमारे कुछ अटैचमेंट पे अटैक करता है। गहराई व्यक्ति की ये होती है कि उसके पास एक ऑलरेडी एक इतना बड़ा सुख है, इतनी बड़ी सिक्योरिटी की जगह है, उसके ऊपर की छोटी मोटी चीज़ चली जाती है, तो बोले ले जाओ क्या करना है, हमारा ले जाओ, तो ऐसे मस्त। भक्ति आपके अंदर एक फव्वारा खोल देती है, सब तरफ सूखा हो लेकिन मन में एक कहीं न कहीं से आशा दिखती है, शांति दिखती है। वैसे भक्ति की तीन चार परिभाषाएं हैं, हम उसको नहीं लेंगे क्योंकि हमने बोल दिया आपसे कल कि हम पूरा कर लेंगे। ऐसा बोलने के बाद हमको लगा कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था।
और ये सब बात रिकॉर्ड भी हो गई। तो जनाब परीक्षित जी का बड़ा बढ़िया चरित्र है, बिना कष्ट पाए बिना कष्ट दिए किसी का चरित्र पता नहीं चलता है। कोई किसी का चरित्र पताना लगाना हो तो आप उसको डिफिकल्ट टाइम से ले जाओ, बस उसको चिल्लाओ डांटो मारो, बोले आप ऐसी बात करते हैं, हम नहीं करें आप मारिए, हम ये कह रहे हैं कि आप कठिन परिस्थिति में जब उसके ऊपर दबाव में आप उसको देखोगे, उसके अंदर ही डज ही फील द प्रेशर, ही डजंट फील द प्रेशर। दबाव बाहर से आने लगे लेकिन आप उस प्रेशर को बहुत फील करते हैं, देन दैट इज योर माइंड। ऐसा होना चाहिए कि हमारे अंदर एक सिस्टम हो कि हम बहुत प्रेशराइज नहीं फील करें, इन अ सिचुएशन विच हैज अ प्रेशर आई डोंट फील द प्रेशर। तो उसको बोलते हैं कि व्यक्ति ने अपना एक इनबिल्ट सिस्टम बना के रखा है। चलो देखते हैं परीक्षित जी क्या प्रेशर फील करते हैं आज। कल धर्म वाली बात हो गई थी, 18वें अध्याय पे आते हैं हम लोग, पहुंच गए 18वें अध्याय पे भगवान की दया। दूसरा ही श्लोक देखिए, ब्रह्म कोपोत्थितात् यस्तु तक्षकात् प्राण विप्लवात् न सम्मुमोहो उर्भयात् भगवत्तर्पिताशयः। अंडरलाइन करें या टिक कर लें, उत्सृज्य सर्वतः संगम विज्ञात अजित संस्थिति वैयासिकेर जहौ शिष्यः गंगायाम स्वम कलेवरम। सूत जी बोलते हैं, सूत जी, अच्छा कुछ लोग बिना बाहर के बिना प्रेशर के प्रेशर फील करते हैं, एक और कैटेगरी, कुछ बाहर हो नहीं रहा है फिर भी अंदर इतने परेशान हो जाते हैं। हाउ मच यू कैन फील दैट यू हैव नो प्रेशर इनसाइड, जो बताता है कि आपके अंदर वासना कितनी कम है। वासना ज्यादा होगी तो आपको किसी परिस्थिति का दबाव ज्यादा मालूम पड़ेगा, वासना कम होगी तो परिस्थिति का दबाव नहीं मालूम पड़ता ज्यादा। क्योंकि जब आप मांगते हैं और न इच्छा, तब इच्छा लगता है कि इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी, नहीं मांगते तो क्या है। अपने को थोड़ा प्रारब्ध से थोड़ा सा इंसुलेट करके रखना चाहिए। लिखते हैं कि जिस समय तक्षक आया उस समय वो भयभीत नहीं हुए, न सम्मोहो उर्भयात। देखो इतना बड़ा सांप आ गया, यहाँ एक सांप छोड़े सब भाग जाएंगे, भगवान न करे, लेकिन मान लीजिए एक सांप आ जाए यहाँ पे, तो सांप छोड़िए। एक बार सिंगापुर में हमारा प्रवचन हो रहा था, फर्स्ट मेंशन था, एक छिपकली आ गई, सांप की तो बात नहीं कर रहा, बहुत बड़ी बात है, सब भाग गए, वही रह गई। हमने कैसे श्रोता मिले हैं, क्या करा जाए, इतना चित्त इतना निर्भीक इतना निश्चल इतना निर्द्वंद होना चाहिए। अब इतना बड़ा इतनी बड़ी घटना उनके जीवन में हो गई, उनको पता है कि सांप आ रहा है हमको काटने के लिए, भी तक्षक आ रहा है, बहुत भयंकर सांप है, इतना प्रेशराइजिंग सिचुएशन में
वो समाधि में बैठे थे। तो क्या क्या स्थिति होती है लोग की, गजब है, समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे लोग का होता है। यहां मच्छर काट लेता है, लोग कह रहे हैं मच्छर काट लिया हमको। कल वो कह रहे थे कि हमको मच्छर ज्यादा काटता है, आपको काटता है कि नहीं? हमने कि नहीं भाई, हमारी दोस्ती उसके साथ। अच्छा, एक कमरे में भी दो लोग रहेंगे, एक को ज्यादा काटता है। एक ही कमरे में दो लोग रहते हैं और एक को बहुत नहीं काटता। किसी ने कहा भाई हम खून निकाल के रख देते हैं, जितना लेना हो ले लो। हमने कहा नहीं, मच्छर जो है वो बहुत हाइजीनिक है, वो फ्रेश प्लेट चाहिए, वो भी स्ट्रॉ से। तो उसका एक मिनी स्ट्रॉ है। उन्होंने जहां से आप जहां आसक्त हुए तो आपने प्रेशर पॉइंट बना लिया लाइफ में। जहां आपने किस इशू पे आपने अहंकार डेवलप किया तो एक प्रेशर पॉइंट आपने बना लिया कि काम होगा नहीं होगा, कब होगा कैसे होगा, अरे हो ना हो who cares? मारो गोली, खेलो होली। वो आएंगे कि नहीं आएंगे? आए ना आए। हम क्या कर सकते हैं भाई, वो चले जाएंगे, जाए ना जाए। बोले बीमारी ना आ जाए ना आए। इसको लेके क्या परेशान होना। देखो शिवड़िया बाबा थे तो स्वामी अखंडा जी उनके शिष्य थे, तो उत्तर काशी चले गए स्वामी जी अखंडा, बहुत दिन तक नहीं आए। जब नहीं आए तो बाबा ने किसी ने कहा कि आप एक चिट्ठी लिख दें कि आए क्यों नहीं। बाबा ने कहा अगर वो कभी भी ना आए तो भी मिल गई। हम अपनी मस्ती में रहते हैं, वो अपनी मस्ती में। जितनी जीवन में निर्द्वंद्वता बढ़ती है, जितना आप अपने आप को भगवान के साथ जोड़ लेते हैं, आपको लगता नहीं कि जगत के साथ हमें किसी के साथ जोड़ने की जरूरत है ना। वो तो आपने मन में आग्रह बना किया है कि इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरा है, ये हमारा इम्पोर्टेंट इशू है, ये बहुत। तो आप परेशान होइए, हम क्या कर सकते। तो उत्सृज्य सर्वता संगम, देखो आप सारी आसक्ति छोड़ दिया, हम आसक्ति भी बना दें बात, क्यों आप दबाव डाल रहे हैं मन पे। बोले नहीं उनके यहां तो भाई ड्राइंग रूम बहुत अच्छा था। अरे रखो यार, ड्राइंग रूम रखने से क्या है, ईटा और गारा और चूना है, उसी का नाम ड्राइंग रूम है, क्या हो गया। बोले हमारे इतना अच्छा ड्राइंग रूम नहीं है तो हम कैसे बुलाएं? ना बुलाओ, लेकिन वो बुरा मान जाएंगे, मान जाएं। हर जगह नहीं, हमको क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद हमसे प्रश्न करते हैं। जो अपने जीवन का फसावट है वो हमारे पर डाल देते हैं। बोले हमारे बुलाने का मन है उनको, लेकिन हमारा ड्राइंग रूम छोटा है, हमने बुला लीजिए। नहीं, वो क्या सोचेंगे? अरे तुम सोचो, तुमको मारेंगे पकड़ के। तुम वो सोचेंगे नहीं सोचेंगे, हमको क्या मतलब इससे। बुलाना बुलाओ, ना बुलाना मत बुलाओ। तुम हो अहंकारी, अहंकार के कारण तुमको लग रहा है तुमको लोग बड़ा भी समझें, होचू। और उसके बाद तुमको ये भी लग रहा है कि उनको इम्प्रेस भी कर ले जाएं। अपने जीवन में ऐसी ऐसी इच्छा तुमने बना के रखा है, दुख नहीं होगा तो क्या होगा, शांति मिलेगी क्या? चलो हमको भोजन कराओ। किसी जब आप किसी से बात करें, एक बात का ध्यान रखा करिए, आप पता नहीं ये खुद में फंसा हुआ आदमी है क्या, ये खुद में फंसा हुआ कई बार आपको फंसा ले जाएगा।
एक बार कहीं हम बचपन में गए किसी गांव में, एक आदमी गिर पड़ा कुएं में, तो दूसरा बचाने के लिए रस्सी से कुछ ऐसा किया, तो उसने उसको खींचा, वो भी गिर पड़ा। हमको बुलाया, फिर हमने कहीं दो लोग गिरे, हम भी जाएंगे। किसी की समस्या अगर इमेजिनरी हो ना, तो आप उसका बहुत 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 ज़्यादा आप ज्ञान मान दे के उसको दूर मत करिए। एवरी बैडी हैज टू लिव हिज ओन लाइफ। हम आपका जीवन नहीं जी सकते। एनीवे, उन्होंने सारी आसक्ति त्याग कर दिया और चले गए। अब ऋषियों ने कहा, भाई जरा बताइए सब कैसे, कब त्याग किया, क्या किया? हम लोग का तो भवन करते करते पूरा शरीर धूमी पूरा शरीर जो है धुआंमय हो गया है। बारहवां श्लोक देखिए, हम नहीं मजाक, कर्मणि अस्मिन् नाश्वासे धूम धूम्रात्मकाम भवान। देखो, हम लोग का शरीर धूल से भर गया, धुएं से भर गया। आपायति गोविंद पाद पद्म। अब तो भगवान की कथा आप आस्वाद करें। आपायति, तो उन्होंने कहा ठीक है, तुमको बताते हैं क्या हुआ। बोले, आपने जो बोला कि तक्षक पर है, उसे इसकी कहानी है। अब ये आप लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन हम उसको उसका मर्म स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। परीक्षित जी एक दिन वन में शिकार विकार करने गए। अब करने गए तो भाई प्यास वास लगी उनको। मृगान अनुगता श्रांतः, 24वां श्लोक, शुदित त्रिशितो वृषम। वृषम मतलब बहुत एडवर्बियल यूज है। बहुत उनको प्यास लग गई और आसपास कोई उनको दिखा नहीं कहीं पे पानी हम पी सकते क्या है। तो वहाँ देखा उन्होंने कि एक ऋषि के आश्रम है और उस आश्रम में वो प्रवेश कर गए। अच्छा, ददर्श मुनि मासीनम शांतम मिलित लोचनम। तो जो मुनि थे वो आँख बंद करके शांत भाव से बैठे हुए थे और ऐसा लिखा है कि उस समय वो तुरी स्थिति में थे। स्थानत्रयात् परम प्राप्तम ब्रह्मभूतम अभिक्रियम। देखो आप, पूर्ण मदा वाला स्थिति। स्थानत्रयात् परम, स्थानत्रयात् मीन्स जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों के परे हो गए। याद रखिए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति जिस पे आती है, जिसमें जाती है, सुना ना, स्क्रीन वाला एग्जांपल दिया गया था, हमने एग्जांपल दिया था, उसमें स्थिति थे। उनका शरीर जो है जटाओं से और कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ था, धूल दूषित था, थोड़ा सा चुपचाप बैठे थे। अब उनको बैठने के लिए किसी भी नहीं बोला। एक 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 एडिक्शन होता है सम्मान पाने का, ये कभी डेवलपमेंट करिएगा। अब राजा थे तो हर जगह उनको सम्मान मिलता था, कभी कभी मिलता है तो कभी कभी जैसे सिगरेट की आदत हो जाती है ना, पान की आदत पड़ जाती है, तो स्वागत पाने की भी आदत पड़ जाती है। इसीलिए हम ये बोलते हैं कभी कभी ऐसी जगह चले जाना चाहिए जहाँ कोई जानता ही ना हो। तो कोई उनको बैठने के लिए भी नहीं बोला। फॉरगेट अबाउट टॉकिंग, फॉरगेट अबाउट ऑफरिंग हिम टी कॉफी। और अवज्ञातम इवात्मानम मन मानस चुकोपह। और फिर आ गया क्रोध। इतने बड़े भगवान कृष्ण का दर्शन कर चुके हैं और कृष्ण दर्शन उन्होंने 10-5 सेकंड के लिए नहीं किया था। आपको सपने में भी भगवान का दर्शन हो जाता तो आप बड़े प्रसन्न रहते हैं। बोले, आज सपने में भगवान है, जागृत में भगवान दिख जाए तब क्या बात है। उनको 8-9 महीने तक लगातार ऐसे से भगवान को देखते रहे, फिर भी क्रोध नहीं गए। बड़ा आश्चर्य होता है सुनिए, यही हाल ध्रुव जी के साथ हुआ।
ध्रुव जी को भगवान ने न केवल दर्शन दिया बल्कि बात किया उन्होंने, और जब उनके सामने वो आए हैं यक्ष जो इनके भाई थे ना, उत्तम को मार दिया यक्ष। जो क्रोध आया उन्होंने पूरे यक्षों को मारना शुरू कर दिया। शांति न हो मन उनका, माया बहुत जबरदस्त है भैया। मत सोचिएगा कि बात जो हम लोग की छोटी सी साधना हो जाती है सब अच्छा हो जाएगा एकदम से। चोरी करे निहाल के, देई सुई करदान, ऊपर चढ़ के देखियत कि दिख दूर विमान। कोई एक चोर था, बड़ा बड़ा चोरी करे, बड़े बड़े लोहों की चोरी करता था। किसी ने कहा भाई कोई दान मान दिया करो, तो उसने एक दिन एक सुई का दान दिया। सुई का दान देके वो छत के ऊपर चढ़ के ऐसे देख रहा था। किसी ने कहा यार तुम ऊपर क्या देख रहे हो, बोले दान दिया है तो कोई विमान आएगा ना बैकुंठ से लेने के लिए। चोरी करे निहार पाप इतना, हम पुण्य थोड़ा सा करके बड़ा भारी वो चाहते हैं। एक जने गायत्री मंत्र एक शीशा रख के करते थे, मिरर रख के गायत्री मंत्र का जप करते थे। उनको लगा कि तेज आ जाता है चेहरे, तो हर कुछ देर के बाद चेहरा देखें बढ़ा कि नहीं तेज। पाप आदमी इतना करता है, थोड़ा सा पुण्य करके बहुत फल चाहता है। और प्रॉब्लम ये है कि पाप छिपा छिपा के करता है और पुण्य काफ़ी दिखा दिखा के करता है, और पुण्य जितना दिखा दो उतना जल्दी ख़त्म हो जाता है। मतलब परीक्षित जैसा महापुरुष, ओहो माया थी। अच्छा चलो भाई गुस्सा आ गया कोई बात नहीं, आ जाता है गुस्सा, डोंट इम्प्लीमेंट इट, कम से कम बोलो मत ज़्यादा कुछ उससे। अच्छा हाथ पर तो बिल्कुल ही मत चलाओ। यहाँ लिखते हैं अभूतपूर्व 29 में, बोले इट वॉज अ फर्स्ट ओकेजन कि उनको इतना क्रोध आए। तो आप मत सोचिएगा कि हम आगे नहीं होंगे ऐसा। तो वहाँ पे उनको क्रोध आया, देखा एक सांप मरा हुआ पड़ा था, पता नहीं कहाँ से मरा हुआ सांप आ गया वहाँ पर। चंद्र जिंदा होता है। अब उन्होंने उस धनुष, जो धनुष कोटी होता है ना, उसने लैसो उठाया, बहुत ज़्यादा भूखे मत रहिएगा, जिससे ही होगा। जो लोग कभी कभी बहुत फास्ट रखते हैं ना, और कुछ भी नहीं खाते, इतनी एसिडिटी बढ़ जाती है, और फिर उनका गुस्सा भी गायब रहता है। आप ऑब्जर्व करिएगा, हम कोई रूल नहीं बता रहे हैं, हो सकता है आपको गुस्सा ना आता हो। और उन्होंने गुस्से में उस सांप को इनके गले में से फेंक दिया। उनको लगा कि पता नहीं झूठ मूठ की समाधि है क्या। मतलब क्रोध में आदमी का महात्मा पे विश्वास भी कम हो जाता है। क्रोध के साथ समस्या ये है कि आप किसी को ट्रस्ट नहीं करते उस समय। जिस पे ट्रस्ट था उस पे भी क्रोध जो है विश्वास को जला देता है। क्रोध मेमोरी को जला देता है। क्रोधात बहुत ही सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। क्रोध आपको जो एक बहुत ढेर सारी एक अच्छी से आपने सुनी हुई बात थी कि इसका क्या परिणाम होगा, हमें क्या बोलेंगे, इसके बोलने के बाद वहाँ क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, जो आपके पास एक बहुत अच्छे रेफरेंसेस थे, वो रेफरेंसेस बर्न आउट हो जाते हैं। क्रोध में जो आपके अंदर रस आ रहा था ईश्वर का, एक वो रस चला जाता है, और जिसमें रस, जो लोग रसिक नहीं होते वो सिक हो जाते हैं।
बताओ ये हाल हो गया इनका। अब भगवान की हम तो लीला मान लेते हैं इनको, लेकिन कोई महापुरुष कुछ करता है तो उसमें ईश्वर कुछ होता है। गुस्से में बाहर चले आए वो। अच्छा, अब जो ऋषि थे सांप पड़ा उनको कुछ नहीं हुआ, उनको सांप उनके ऊपर सांप वैसे ही पड़ा रहा। हमने कई बार इस बात को बोला, प्लीज ट्राई टू सी द सिचुएशन फ्रॉम वेरियस व्यू पॉइंट्स। अपनी दृष्टि से परिस्थिति को देखने की आदत छोड़ें। उस परिस्थिति में और भी दृष्टियां हैं और शायद दूसरे की दृष्टि जिसको आप गलत बोल रहे हो आज वो सही हो या बेटर हो आपके परसेप्शन से। अहंकार के साथ क्या होता है कि वो अपनी दृष्टि को छोड़ ही नहीं पाता है। छोड़ो यार, बोले बहुत बीमार है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। मान नहीं, जो मैक्सिमम मिस्टेक लाइफ में होती है, कई चीज़ें मान लेते हैं ऐसा ही होगा, नहीं मानना चाहिए। वेट, इनका एक बेटा था, किनका? ऋषि का, परीक्षा की बात नहीं हो रही, ऋषि का। उसका नाम था श्री शमीक, ये और जोरदार था, बड़ा तेजस्वी। तस्य पुत्रो अति तेजस्वी, 32वां श्लोक। तेजस्वी मतलब राइट, तेजस्वी मतलब तो ये होता है कि आपके ऊपर काम क्रोध का कोई असर नहीं पड़ता। यू आर इनडोमिटेबल बाय योर माइंड। आपके काम को तो आपको रौन नहीं देते, वासनाएं रौनती नहीं है आपको। तेजो क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता। बोले कहाँ लिखा है ये? गीता का श्लोक। जब व्यक्ति में तेज होता है उसकी शक्ति बची रहती है। जब शक्ति बची रहती है तो जो कॉस्मिक गॉड है, जो हिरण्यगर्भ है, उसके साथ उसकी ट्यूनिंग हो जाती है। जो इसकी इच्छा होगी, ईश्वर की इच्छा हो जाती है, उसको बोलते हैं वाक सिद्धि है, संकल्प सिद्धि है। यही हाल इसके साथ गांधारी के साथ में था। गांधारी ने जब अपनी पट्टी बांधा आंख पे, संकल्प आ गया कि आप जिसको पहली बार खोल के जो सोच लोगे वो वज्र हो जाएगी, इसलिए तो बुलाया था दुर्योधन को। अति तेजस्वी, अरे बाप रे। एनीवे, वो था तेजस्वी लेकिन खेल रहा था। विहरण बाल का अर्भ कई, दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। मतलब तेजस्वी लोग भी खेल सकते हैं। उसने देखा कि हमारे कुटिया से कोई राजा आ रहे हैं। व्हाट इज द मैटर? गया अंदर, अंदर जाकर उसने देखा कि हमारे पिताजी के गले में एक मरा हुआ सांप डाले हैं। बजाय सांप हटाने के रोजी लगाओ, सांप हटा देना चाहिए था। खूब जोर जोर से रोने लगा और इतनी तेज रोया, बहुत छोटा था मतलब। पिताजी ने खोली आंख अपनी, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि उन्होंने गले में सांप को हटा के फेंका, उन्होंने विसृज्य
अब कहा भाई तुम रो क्यों रहे हो? उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि सांप किसने डाला है। देखो संत को देखो आप, क्या हुआ? और फिर उसने पूरी बात बता दिया कि यहां राजा आए थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ। हाँ तुमने सांप दे दिया? बोले हाँ सांप दे दिया। बोले अहो बतामसो महतज्ञा ते कृतम अल्पीयसी द्रोह उरुर्दमो धृता। बोले राजा ने गलती छोटी सी की, तुमने इतना बड़ा पनिशमेंट दे दिया। ओवर पनिश कर दिया। 41 लोग। और फिर बोला कि तुम्हारी बुद्धि अभी बहुत कच्ची है। अविपक्क बुद्धे, देखो ये शब्द लिखा है 42वें श्लोक। कच्ची बुद्धि मतलब सह न पाए, सह न पाए, जिसमें जो जो जिसको लोग इंजॉय ना कर पाए, जिसके रिएक्शन जो कच्चा फल होता है ना उसका बहुत इंजॉय नहीं कर पाते। एक पका आम होता है इंजॉय कर सकते हैं, या पका अमरूद होता है इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन द प्रेजेंस और द रिस्पॉन्स इज नॉट वर्थ इंजॉयिंग। कच्ची बुद्धि मतलब जहां पे व्यक्ति में कठोरता आ जाए कुछ, यू हैव बिकम वेरी स्टिफ। एक और शब्द बोल देते स्टबल, वो जिद्दी हो जाता है। अरे भाई तो सोचो जरा सा, और ये महात्मा शांत, क्या तुमको पता नहीं इतने बड़े राजा है वो? अगर राजा नहीं रहेंगे तो कौन देखेगा हम लोग को? थोड़ा सा डांटा, अपमान का अनुभव इनको नहीं लगा। देखो यहां पे लिखते हैं सुखदेव जी, बोले कि भगवान इसको क्षमा करें। फटके श्लोक देखो, तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ती तद्भक्ता प्रभवो ही प्रभोपि। मिल गया? बोले भगवान के भक्तों में बदला लेने की शक्ति होती है, लेकिन वो अपमान से, धोखे से, गालियों से, ये सब का कोई बदला बदला नहीं लेता। हमने बोला ना जब ईगो पे आक्रमण हो तो आप सह लो थोड़ा सा, स्टार्टिंग ही इस बात से किया था। समाज परिवार देश आपके अहंकार पे और आपके अथॉरिटी पे बार बार चोट लानेगा। और जहां अहंकार पे किसी की अथॉरिटी पे चोट मारता है, क्योंकि अथॉरिटी बड़ी प्यारी होती है अहंकारी को, उसकी अथॉरिटी अगर थोड़ी सी भी हिल जाए तो एकदम दम दम आ जाता है। एक बार हम गंगोत्री गए तो गंगोत्री में बड़ी भीड़, तो एक पुलिस वाला आया तो उसने भीड़ रोकने के लिए एक डंडा ऐसे अपना ऐसे कर दिया, तो किसी ने उसका डंडा पकड़ लिया। उसने कुछ कुछ भी करो, डंडे को मत पोड़ो, हमारे हमारा सब कुछ यही है। आदमी बड़ा कमजोर हो जाता है। कमजोर मतलब समझते हैं क्या? B12 कम नहीं है, कमजोर है। कमजोर मतलब है कि उसके अंदर डिजॉल्विंग पावर नहीं है, उसके अंदर किसी इशू को लेके, किसी बात को लेके बहुत ज्यादा उछल कूद शुरू हो जाती है। उसके चित्त में ये बात नहीं है कि ये जो है घटना है, घटना मात्र है, इसमें हमारा अलग, यहां पर इनको कुछ असर नहीं पड़ा,
श्रृंगेरी से, अरे जो इनके पिताजी थे शमीक के। कमजोरी मतलब कि व्यक्ति अपने आप को किसी के साथ इतना एक कर देता है कि उसके पास बहुत दूर तक समझने सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। उनको पश्चाताप हुआ, किनको? इनके पिताजी को, कि इस हमारे बेटे ने ऐसा क्यों कर दिया। अब यहां पे लिखते हैं सूची, स्वयं विप्रकृतो राज्ञा न एव अघम तद अचिंत्य। जो उनका अपमान हुआ था उस पर चिंता नहीं हुई उनकी। देखो, अपमान होना एक बात है, अपमानित अनुभव होना अलग बात है। हमने इस बात को कई बार, भगवान राम का बड़ा अपमान होता था और अपमानित अनुभव नहीं उनको, उनको ये नहीं लगा कि हमारा अपमान हुआ। एक ब्लॉटिंग पेपर होता है, ब्लॉटिंग पेपर, और एक फर्श होता है। ब्लॉटिंग पेपर पर जितनी इंक डालो खूब उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और वही इंक अगर आप ग्लास पर डाले तो ग्लास फेंक देता है। तो अहंकार जो है ब्लॉटिंग पेपर, वो जो दुख सुख मिलता है उसको बहुत एब्जॉर्ब कर लेता है। हमको इन्होंने ये दिया, हमारा मतलब, और इस बात को अपने माइंड में काफी परवेट कराता है। और जो निरहंकारी होता है, देखो दो बेटे बाप को देखना कितना डिफरेंस है दोनों में। जो निरहंकारी होता है उसको लगता है नहीं ये तो होता रहता है, हमारा कुछ नहीं। अपने अहम को व्यक्ति जहाँ रखता है उससे डिसाइड करता है कि उसका एक्सपीरियंस क्या होगा। हमने कई बार बोला, आप अपने एक्सपीरियंस को बोलिए बदल सकते हैं। भयंकर अपमान की स्थिति में भी भगवान राम का अनुभव बड़ा आनंद का था। छोटे ही बात पिता ही दुख भारी, होत न मोहि प्रतीत महतारी। ये अनुभव देखो उनका, बाहर से परिस्थिति का झोंका आया, आई हैव नो कंट्रोल, अपमान हुआ, नो कंट्रोल, लेकिन उसका अनुभव कितना हुआ। एक बार गुरुदेव यहां पे थे, आज तो गुरुदेव का हम लोग का भाग्य है कि आज हम लोग यहां। जो भी गुरुदेव को जानते हैं वो सभा से बड़ी जरूर याद करते हैं। एक बार रात में कुछ काम यहाँ हो रहा था, हम नाम किसी का नहीं लेना चाहते, तो उन्होंने कहा 10 बजे 11 बजे रात, प्लीज कॉल दैट पर्सन। तो एक आदमी गया वॉलंटियर बुलाने के लिए, तो वो पता नहीं हाफ स्लीपिंग था क्या था, दरवाजा खोला, उसने कहा गुरुदेव इज कॉलिंग यू, उसने बोल दिया प्लीज टेल आई एम स्लीपिंग। मेरी स्लीपी है, अब गुरुदेव ने भागना चाहिए था स्लीपी यूपी के आपके सामने, गुरु बुलाए तो भागना चाहिए, पता नहीं भगवान बुलाए हैं आपको। ये जो व्यक्ति था ये आके बोल दिया, he was half awake but he said to tell Gurudev that I am sleeping, and Gurudev can never mind, unko koi gussa nahi aaya, shant। agle din jab samay ho gaya phir bulaya। jab aap apne gusse ko postpone kar sakte ho tab aap treat karte hain kisi। जब आप अपने गुस्से को पोस्टपोन नहीं कर सकते तो आप आवेश में हो। देखो, एक एक खून करने वाला भी किसी का खून निकालता है, एक ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर भी किसी का खून निकालता है, खून दोनों जगह निकलता है, लेकिन एक से जान जाती है एक से जान बच जाती है। तो क्रोध जो है ना वो आपको कहीं ना कहीं
या जो पर्सनालिटी में जो एक कमजोरी होती है किसी की कि वह अपनी उस इमोशन को पोस्टपोन नहीं कर पाता। ही कांट हैंडल हिज इमोशंस। चलो इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, अभी इज नॉट अ राइट टाइम। बोले भाई अभी हम बात करना है हमको, जब कोई आवेग और आवेश बहुत ज्यादा होता है तो आप उसके एक्सप्रेशन को लेके परतंत्र हो जाते हैं। जब हमारा उस पर नियंत्रण रहता है तो हम उसके साथ हम थोड़ा खेल लेते हैं। साधु मतलब जिसके जीवन में उफान ना हो, जो कच्चा दूध होता है ना उसमें उफान बहुत आती है, जब पक जाता है दूध तो वही उसकी उफान कम हो जाती है। नहीं ठीक है, बोले हाँ अब हो गया खत्म करिए, क्या है एक ही चैप्टर है, अब तो क्लास मिलेगा नहीं, टुडे इज माई लिबरेशन डे, कल से हमारी छुट्टी, सब क्लास से बच गए, सबसे पहले तो हम 8 बजे तक सोएंगे, 10 दिन हो गया ठीक से हम सोए नहीं, सुबह जब भी क्लास में कोशिश करते हैं आप इतनी तेज बोलते हैं कि हम ठीक से सो नहीं पाते, एक तो हमने इतनी कॉफ़ी पी लिया कि शुगर रश हो गया, क्लास में नींद नहीं आती, कॉफ़ी वगैरह पी लेते, इतने बढ़िया बढ़िया इसमें बात है, जितना आप डिग आउट कर सकते हैं ना भगवत से, जितना आप इसमें से निकाल सकते हैं उतना आपका चरित्र और आपका रिस्पॉन्स बदलने लगेगा। उनको कोई अनुभव नहीं हुआ। महात्मा मतलब जिसको अपमान मिले लेकिन अहम अपमानिता ये अनुभव नहीं होता उसका, इसको पकड़िएगा आप ध्यान से, उसका अनुभव होता है कि अहम प्रसाद प्राप्त, या भगवान ने दिया, या तो शरीर का है, ये धर्म है, शरीर को शरीर ने अपमानित किया, हमसे क्या लेना देना इसका। जो महात्मा का सबसे बड़ा टेस्ट है वो यही है कि कितना अपमान सह सकता, गाली भी सहना पड़ता है, और सहना इतने कि बाहर तुम चुप है अंदर अंदर बोले चाहे तो रहे, आई बाहर से बात, अंदर पता नहीं कहीं लुप्त हो गई। महात्मा का जो सबसे बड़ा एक साधना का आपके टेस्ट यही है कि परिस्थिति आप में कहीं खो जाती है कि आप परिस्थिति में खो जाते हैं, आपके अंदर सागर है कि परिस्थिति आई उड़ गई, या आप परिस्थिति में खो गए। प्रायशो सांडलाइन, प्रायशो साधवो लोके परैर्द्वंद्वेश योजिता न पृथ्यन्ति न हृष्यन्ति यथा आत्मगुणाश्रय। बहुत अच्छा श्लोक है। बोले भाई साधुओं का स्वभाव ये होता है कि जब दूसरे लोग उनको द्वंद्व में जानते हैं न व्यथन्ति, लास्ट लाइन 50वें श्लोक का, अरे आय राम रे अब तो हम खत्म हो गए, चुप, न व्यथन्ति, क्या होगा महाराज, क्या क्या हो गया, क्या हो गया आपको, क्या हो गया, कभी आप डॉक्टर के पास जाओ ये सब दृश्य आपको देखेगा अंदर, हाँ 20 लोग पहुंचे हुए हैं, डॉक्टर साहब मरीज कौन है, बोले ये है, चलिए आप एक बार चलिए चलिए
तब भी कुछ लोग खड़े रहते हैं, ऐसे ढीठ लोग होते हैं। एक तो क्लिनिक के अंदर 20 लोग जाना नहीं चाहिए। चलिए आप लोग बाहर चलिए, चलिए फिर भी खड़े। आप कौन हैं? बोलिए इनके ताऊ के चाचा। चलिए चलिए, चलिए बाहर, चलिए चलिए फिर भी झाकेंगे। चलिए बंद करिए दरवाजा। हाँ आइए आप आइए। नहीं नहीं चलिए हम बैठिए। पता नहीं कैसे डॉक्टर लोग इरिटेटेड नहीं होते, कितना डिफिकल्ट है इस लोगों के साथ। और कुछ बड़े कूल से रहते हैं। होती है इरिटेटेड ना? हाँ अब नहीं होते? अच्छा 10 साल हो गया। हाँ बोले नहीं आप, बोले टेस्ट करने दीजिए, सांस लीजिए। सांस के लिए कपालभाती क्यों कर रहे हैं? सांस लीजिए, सांस लीजिए, मुंह खोलिए। अच्छा डरा भी देते हैं डॉक्टर, इसने नर्वस हो जाता है पेशेंट ऑलरेडी है। लेट जाइए, उन्हें हमने सुस। अरे तुम इतना घबरा क्यों रहे? अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है। फिर माता जी कहीं कुछ हुआ तो नहीं मेरे बेटे को, मेरे बबुआ को? कुछ नहीं हुआ। इतना ना व्यथन। एक रमण महर्षि थे, इतना भयंकर ट्यूमर सुना होगा आपने, जो अंतिम दर्शन उनका हुआ था। ऐसे बैठे रहते थे। महात्मा मतलब जिसकी दृष्टि एक जगह एक ईश्वर में या एक आत्मा में ही पक्की हो गई हो। हमने एक बार बोला था कि यू कैनॉट फोकस एट टू पॉइंट एट द सेम टाइम। हम जब इधर देखते हैं तो इधर नहीं देखते, इधर देखते हैं तो किसी और को देखेंगे तो ठीक से देखेंगे। आप अपनी लाइफ में किस बात को बहुत इंटेंसली देखते हैं? इज इट गॉड, इज इट सेल्फ और इज इट वर्ल्ड? इफ इट इज वर्ल्ड तो गया, क्या देखने लायक नहीं? ना व्यथंती। अरे वाह, टाइम हमारा बहुत ज्यादा हो गया। अब ये वापस आए परीक्षित जी, हमने फिर बोलेंगे प्लीज आप सब लोग तो महात्मा ही है, महात्मा का टेस्ट ही है, अपमान कितना सह सकते हैं? लोग बोलते कब तक सहे? दुख सहने की कितनी सामर्थ्य है? वापस आई, अब लोग बोलते हैं इनके ऊपर कलयुग आ गया, वो सब नहीं जा रहे। ये टीवी सीरियल से आप भागवत वगैरह और रामायण और स्पेशली महाभारत वगैरह मत सोचिए, कुछ कुछ चीज़ उसमें मनगढ़ंत भी हो जाती है। अथॉरिटी होनी चाहिए पुराण में। अब उनको पता लगा, जब पता लगा कि सातवें दिन हमको सांप काटेगा, ये श्राप दे दिया सोचना, ये भूल गए बोलना, इनकी बेटे ने श्राप दे दिया कि सातवें दिन तक्षक काटेगा, तेजस्वी था उसकी बात सही हो गई। जब उनको ये पता लगा, उनको लगा अच्छा हुआ, भारी दुख आया। आप अपने आप को रखिए उनकी जगह। आज कौन डे है? ट्यूसडे, वेडनेसडे। अगले वेडनेसडे हम लोग के पास तक्षक आ रहा है। मान लीजिए भगवान न करे, चिंता न करे, बोले बुकिंग करवा के रखा। अब तो एयरक्राफ्ट की बुकिंग हो गई है, बाद में आए कहीं। अगले हफ्ते आज की तारीख में, आज के दिन में एक सांप काटने आ रहा है मान लीजिए,
और हम पक्के हो गए कि हमारा सब छूटने वाला है, घर बार जेवर बढ़िया आपकी शर्ट पैंट घर बाहर बच्चे पोते ना दिया। हाउ विल यू रिस्पॉन्ड? हम लोग पहले मर जाएंगे। इनकी साधना आप देखो, इन्होंने बोला स साधु मैंने, चौथा श्लोक 19वें बोले बड़ा बढ़िया हुआ, मैंने नचिरेण तक्षकात अलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। बोले हम बहुत आसक्त हो गए थे, अच्छा हुआ हमें खूब वैराग हो जाएगा, जो अभी तक नहीं हो पाया, किसी से अपमान मिले, किसी से तिरस्कार मिले, तो आप खुश हो जाइए कि आई एम फ्री फ्रॉम दैट इशू। 19वें अध्याय का चौथा श्लोक, लास्ट टू लाइन्स, अच्छा हुआ। हाउ यू रिसीव, इतनी इसी को बोलते हैं कि इतनी हम लोग पहाड़ गिर पड़ा कठिनाई का, तो अब प्रिपेयर्ड थे। उन्होंने बुलाया धनंजय को, अरे जन्मेजय को, का जन्मेजय आओ, अपना मुकुट दिया, देख रहे हैं आप कष्ट को मीठा बना लेना, प्रारब्ध को प्रसाद बना लेना, जीवन में जो हमको डिप्राइव किया गया है वहां से भगवान निकाल लेना, यही व्यक्ति जो है शांत रहता है। फिर से बोल देते हैं, जहां से हमको डिप्रिवेशन मिली है, जहां से अपमान मिला है, जहाँ से हमको कुछ चीज छीन ली गई हमारी, इतना बड़ा तो पाप नहीं किया था कि उनको तक्षक से मरवा दिया जाए, ठीक है एक सांप देते हल्का सा कुछ डांट बांट देते, या ऐसा बोल देते कि भाई कोई छोटा कुछ एक दो दिन सांप काट लेगा, इतना बड़ा सांप वो भी डेथ। अब इनको ये नहीं लगा कि हमने इतने अच्छे अच्छे काम किए तो उसका कुछ नहीं मिला, हमने ये गलत किया उसी का फल मिल गया। हम लोग ना काफी रिएक्ट करते हैं, बड़ा रिएक्टिव माइंड ने बना लिया है, और अपने आप को हमने ऐसा बना के लिया है कि हमें हम सह नहीं सकते ये दुख क्यों आया हमारे पास, हमने तो अच्छे अच्छे काम किए थे, हमने जो किया था उसके लिए नहीं बोला, जो नहीं किया था उसके लिए बोला, हमने एक छोटी सी गलती क्या कर दिया उसी को उन्होंने सब बना डाला, ऐसा क्या था, समझते नहीं हमको ये सब बात, हमको हमेशा कोई नहीं समझता है, हम नहीं रहेंगे तो पता चलेगा क्या है, कब नहीं रहोगे, नहीं नहीं हम तो बता रहे हैं, हम परेशान हो गए इन लोग से, हम समझ नहीं आता कि इनके साथ कैसे रहें, हम करें तो समस्या, नहीं करें तो समस्या, जाए तो समस्या, हम लोग अपने अपने लूप में फंस जाते हैं, अपने को बहुत इरिटेबल नहीं बनाना चाहिए। डोंट प्ले विक्टिम कार्ड, हम बेचारे, एवरी एंग्री पर्सन प्लेज अ विक्टिम कार्ड, उसको लगता है विक्टिमाइज्ड है, आई एम विक्टिम, हमको ये फॉर ग्रांटेड ले लिया इन्होंने, हमको इन्होंने बेवकूफ बना दिया, हमको इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया, हम चुप थे, हम चुप रहने का मतलब ये नहीं था कि हम समझते नहीं थे, हम सब समझते थे, ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, शांत। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ भगवान आपको ऐसा कुछ नहीं देगा जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है। फिर से बोल देते हैं, भगवान आपको ऐसा कुछ नहीं देगा जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है। आई नीडेड इट, ये इंटरप्रिटेशन, आई नीडेड इट। कभी कभी बहुत बीमारी होती है, लगता है खत्म ही हो जाए छुट्टी हो सारी बीमारी से, कब से पर ये दवाई लिया वो दवाई लिया, वहां उस डॉक्टर के पास के, वो डॉक्टर खत्म हो गया, लेकिन हम नहीं खत्म हो रहे हैं,
जितने डॉक्टर के पास गए हम परेशान हो गए, कितनी दवाई हम खाएं, एलोपैथिक होम्योपैथिक। पहले लोग एलोपैथी के पास जाते हैं, हाँ उसके बाद आयुर्वेदिक के पास जाते हैं, काढ़ा साढ़ा पीते रहते हैं, हाँ उसके बाद होम्योपैथी के पास जाते हैं, उसके बाद सिंपैथी के पास जाते हैं। हम परेशान हो गए अपने आप से, हम क्या करें, कहाँ जाएं? कल से इतना सर दर्द, 4-5 साल हो गया सर दर्द, एकदम सर पकड़ के ऐसे लगता बैठे रहे हर समय। तो क्या सर दर्द नहीं ठीक हो रहा है? अरे क्या ठीक हो रहा है, तो सोते क्यों नहीं आप? हम सो जाते हैं तब भी नहीं हमारा सर दर्द हो जाता, हमें सपने भी सर दर्द आता। हम मूव गए अपने आप से, ये सब हम लोग के रिएक्शन, अपने पति से मूव गए हम, पता नहीं है तो हम मर जाए तो ये मर जाए, कोई हम सब खत्म हो जाए। किसी ने हमसे आइडिया दिया, बोले 60 साल के बाद भगवान को सबको मार डालना चाहिए। हमने कहा भाई भगवान मेरे सजेशन देना, आप सजेस्ट करना, एडवाइजर रोल बन जाओ। इतने परेशान होंगे अपनी हेल्थ से हम। एक मिनट, हेल्थ इज एन एक्सटर्नल इशू, आप उसको इंटरनलाइज मत करिए। आई एम पेन इज इन द बॉडी इज अनदर मैटर, आई एम सैड इज टोटली डिफरेंट मैटर। हम लोग विक्टिमाइज फील करते हैं। और जिस व्यक्ति से आप विक्टिमाइज फील करते हैं, उस व्यक्ति को आप रिजेक्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं, रिएक्ट करते हैं। किसी व्यक्ति के व्यवहार के हम विक्टिम हैं। नहीं समझता कोई आपको, साधु मैंने नचिरेण तक्षकात, बोले बहुत बेहाल हो। किसी ने हमको नहीं दिया ना, नहीं दिया तो भगवान हमारे साथ अन्याय नहीं करेगा। अगर आपका विश्वास है तो आप इस बात को मान लोगे। बस लेकिन आई एम सफरिंग। नो नो, यू आर नॉट सफरिंग, यू हैव चूजन टू नॉट सी द कंप्लीट पिक्चर। आपने यू हैव चूजन नॉट टू सी इट, सब छोड़ दिया। आई थिंक फॉर परीक्षित इट इज अर्ली, गंगा किनारे बैठ के जाके खुशी खुशी फिर से बोलेंगे दिस हैज नॉट कम इन अ डे, ये तो पहले से ही तैयार थे कि हम कभी ऐसे बैठे। सारे ऋषि मुनि आ गए, सबको प्रणाम किया और कहा कि हम जिस भी योनि में हमारा जन्म हो भगवान से अनुराग हो। लोगों ने कहा आपने सब त्याग दिया, ये नहीं बोला कि बेटा जा, अपना ध्यान रखना, ये सब नहीं किया। मैं बेहोश हो गया, कुछ लोग पहले बेहोश हो जाते हैं। कितना धैर्य होगा, कितना श्रद्धा होगी मन में, कितनी शांति होगी, कितना विश्वास होगा पूरा जीवन इसी को बनाने के लिए। पूरा जीवन श्रद्धा धैर्य विश्वास प्रेम बनाने के लिए। लोगों ने कहा भाई परीक्षित आप चाहते क्या हो? कहा सिंपल सी बात है, एक हफ्ता बाकी है किसी की मृत्यु की, तो क्या सुनना चाहिए जिससे मोक्ष मिल जाए। अब बताइए ये श्राप था कि अनुग्रह था? जिस परिस्थिति में आपको लगा था कि इट्स सो बैड सिचुएशन, कभी न कभी आप उसको मानिएगा इट वॉज गुड। जिसके लिए आप एक दिन रोए थे, अनलकी समझे थे अपने आप, आपके पास ऐसे दिन आते हैं आपको लगेगा बिकॉज ऑफ विच यू आर थिंकिंग यू आर अनलकी, सेम थिंग विल मेक यू फील आई वॉज लकी दैट आई लॉस्ट इट।
अच्छा किया भगवान। उन्होंने छोड़ दिया था, अच्छा किया, तब समझ में आ रहा है कि अच्छा किया था। भगवान की योजना हमको समझने में समय लग जाता है, मीठी कृपा होती है और काफी कड़वी कृपा होती है, लेकिन होती कृपा है। चुपचाप बैठे यहां एक आसन पे, कोई बोल नहीं रहा है, वहां वेद व्यास भी थे, वहां बड़े बड़े ऋषि चुपचाप बैठे थे, भृगु विश्वामित्र परशुराम सब बैठे थे ये चुप। और उसी समय तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र 25 श्लोक यदृच्छया गम गामटमानोनपेक्ष अलक्षलिंगो निजलापतुष्ट वृतश्च बालैर अवधूत वेश। बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय। सुखदेव जी आ गए, कहां से आ गए, किसने बुलाया, वो नंदु थानी नहीं, ये खुद गए। गुरुदेव उसी को बोलते थे, When the flower is ready, the bees will be pulled towards the flower. Common statement sunanga. When the disciple is ready, some teacher from the whole cosmos will come to you. कुछ ऐसा होगा आपके जीवन में, बोले हमारा कोई गुरु नहीं बना, गुरु ने मिला नहीं कोई, हमारा कोई फिट नहीं था गुरु। आप तैयार हो जाओ, भगवान आपके पास किसी महापुरुष को भेजेंगे। कई बार लोग बोलते हैं, तुम बोलते हैं प्रार्थना करिए, आप गुरु भाव बनेगा आपका, आशा मत छोड़ो। यहाँ यहाँ आए, दो चार मिनट और ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे, बहुत सारे काम है। सुखदेव जी जो थे 16 साल के थे, शरीर पे कोई कपड़ा वपड़ा नहीं था, उनके सारे जो भाग थे ना, किसी के पर्सनालिटी में एक चमक होती, जो आपके अंदर की शांति है, आपकी आंख से कान से होंठ से टपकती रहती है। लंबी लंबी भुजाएं थी, सुंदर सी गर्दन थी शंख जैसे, अरे हाँ शंख जैसी, दोनों कान बराबर थी, नहीं कि एक छोटा एक बड़ा हो। छाती जो थी उभरी हुई थी, लंबी लंबी, और मुख पे घुंघराले बाल थे। अच्छा हाँ, और चित्त को चुराने वाली जवानी थी उनकी। आसपास स्त्रियां बच्चे घूम रहे थे, धूल धूसरित उनका शरीर था, घुंघराले घुंघराले बाल चारों तरफ जा रहे थे, ऐसे ऐसे करते हुए संत मता गजराज का पूरा करो, चाले बंधन छोड़ जग कुत्ता पाछे फिरे। अब तो पूरा कर दीजिए, सुने ने ताको सुर। ये गजराज की तरह संत लोग चलते हैं, लोग भोंकते कोई फर्क नहीं पड़ता। संत मता गजराज का चाले बंधन छोड़, ये नहीं कि यहाँ है, बोले गुड्डू की तबीयत खराब हो गया है, नहीं ये सब नहीं छोटी मोटी चीज है, ये आचार ही नहीं, आचार खत्म हो गया, ये नहीं था, ये आए सब उड़ गए। प्रणाम किया, परीक्षित जी ने प्रणाम करके कहा कि आपने पवित्र कर दिया, जिसके मन में जिज्ञासा हो श्रद्धा हो उसके जीवन में बहुत दिन तक संत लोग ना आए ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ भाई बोलो परीक्षित, ये ऊपर बैठ गए, सबसे युवा यही थे, बाकी सब सीनियर लोग नीचे बैठे थे, इंक्लूडिंग हिज फादर। बीज डाला उन्होंने भागवत का, क्या बोलो, टाइम इज लेस, बोलो जल्दी से। कहा एक बात बताइए,
मनुष्य मात्र का मेन कर्तव्य क्या है, पहला तो प्रश्न ये। और अगर यद श्रोत्रव्यम 38 श्लोक अंडरलाइन, यद श्रोत्रव्यम अथो जप्यम यद कर्तव्यम निर्भी प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। 7 दिन बाकी हो किसी के तो क्या सुनना है, क्या जप करना है, किसका स्मरण करना है, किसका भजन करना है, किसका त्याग करना है, आप बताइए इसको। ठीक, ये इसी को कई बार हमने बोला है कि जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है कि इच्छा में आपकी कितनी इंटेंसिटी है और एक्सटेंसिटी है, कितनी तीव्र है, कितनी व्यापी है। बोले नहीं भगवान मिले तो हम मना नहीं करेंगे क्या है। एक बार हम ट्रेन में गए तो बोले आप गीता पढ़ाते हैं, लेकिन नहीं ऐसा कहा। हमने कहा आप क्यों पूछ रहे हैं, बोले सही टाइम पास हो जाएगा हमारा भी। क्यूरियोसिटी नहीं होती इस साधक को, कौतूहल नहीं है, एक दर्द होता है। जितना दर्द होता है ईश्वर के लिए, जितना दर्द होता है गुरु को न मिले, उतने आपके पास ईश्वर जल्दी से आते हैं। आ गए कौन, चुगदेव जी आ गए, अब भागवत शुरू हो जाएगी। ठीक है, प्रकट हो गए वो बिना बुलाए, बहुत श्रद्धा में बहुत ताकत होती है, प्रेम में बहुत ताकत होती है, सच्ची भक्ति में बहुत ताकत होती है। आपको, आपके लिए कोई बना है पता लगाइए कौन है वो। हो सकता है कोई हो गुरु, पता नहीं, हो सकता है जान, ही मे नॉट बी नोन, लेकिन कोई होगा, कोई आएगा, हमको बुलाना बताना चाहिए। ये प्रश्न हुआ, कोई घबराहट नहीं। अब बताइए वो श्राप था कि वरदान था। अगर वो श्राप न मिलना, मरना तो था ही परीक्षित को, लेकिन इतनी बड़ी भागवत, इतना कृष्णा वृद्धि कर रहे हैं, इन भागवत ने संतों को जन्म दिया है, इन भागवत ने कितनों को मोक्ष दिया है। परीक्षित जी की जय। अपने जीवन के परेशानी में आप इसी भागवत को पता लगा लीजिएगा, आपके जीवन के कष्ट में एक मोक्ष छिपा है, आपके जीवन के कष्ट में एक वैराग्य छिपा है, आपके जीवन का जो कष्ट है ना, कृष्ण का अलग नाम है, कृष्ण का दूसरा नाम कष्ट हो सकता है, शिव का दूसरा नाम कष्ट हो सकता है। आपको लग रहा है कि हमें परेशानी है, नहीं, आप बोलिए भगवान है। जिसको आप कष्ट बोल रहे हैं, जिसको आप हार्ड लक बोल रहे हैं, जिसको आप दुर्भाग्य बोल रहे हैं, भगवान का एक शॉल है। आप उस शॉल को जब हटाइएगा तो आपको मोक्ष दिखेगा, आपको शांति दिखेगी। डोंट सी एनीथिंग एट आउटर लेवल, इट्स अ डीपर लेवल आल्सो। चलिए, आपने सुना और यहाँ पे प्रथम स्कंद पूरा हुआ भगवान की कृपा से, गुरुदेव की आशीर्वाद से। तो 3 अध्याय, 3 श्रोता पे थे, पहले 3 फिर दूसरे 3 फिर तीसरे प्लस 12 प्लस 1, 1 सुखदेव जी पे था। भागवत आप छोड़िएगा नहीं, पहला स्कंद आप फिर जाके पढ़िएगा, जो आपने अंडरलाइन किया है उससे रोज एक भागवत का एक पेज रामायण का, इतना वादा तो आपको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हम बताएंगे क्या करेंगे आप, नहीं फिर भागवत बताएंगे। ओ यहाँ सिद्धवाड़ी से आप कुछ तो अपने लिए प्रण लेकर जाइए, कुछ व्रत लेकर जाइए। ठीक है, इतना भगवान ने हम लोग को अवसर दिया, इस दिव्य धाम में बैठ के, गुरुदेव के चरणों में बैठ के हम लोग ने श्रवण किया। अभी तो बाकी है प्रोग्राम का, आप चले मत जाइएगा, अभी तो 9:30 बजे से वहाँ रहना है, और कई लोगों की सेवा भी है, तो हम लोग आज उनकी सेवा करेंगे, हम लोग उनके चरण में जाके अपने अपने मन का स्नान करेंगे उनकी धूल से।
और फिर 1:30 बजे शायद मेरी लिख चाहिए ना 1:30 बजे उसके बाद पूरा होगा, पूर्णमादा भी पूरा हुआ, भागवत भी उन्होंने पूरा करवाया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप श्रद्धा से प्रेम से सुने और हमको अवसर दिया, हम आपके कृतज्ञ हैं। हरिओम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री शंकरनाथ महाराज की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो हरिः।